हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो FMCG से रिलेटेड है। ओके, तो ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि उसके बारे में हम एक ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि शायद आपको ना पता हो, और उसका फ्यूचर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं क्योंकि वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे देने वाली है। तो आइए उस शेयर के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और आपके पास इस तरीके की वीडियो हम लाते रहे। आइए एक बार हम उसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो वन डे का परफॉर्मेंस देख लीजिए, 7.95% के, मतलब आज के दिन ही लगभग 8% की इसमें जंप देखी गई है। वन वीक में 12%, वन मंथ में 39, थ्री मंथ में 32, वन ईयर में 1.66, 5 ईयर में 156.21 एंड 10 ईयर्स में लगभग 47% के रिटर्न यहाँ पर देखे गए हैं। अब आपको यहाँ पर रेड दिख रहा होगा, कुछ चेंजेस इस कंपनी में, बहुत सारे चेंजेस हुए पिछले कुछ महीनों में। ओके, तो ये कंपनी का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट नज़र आता है। ओके, आप इसे मत देखिए कि इसमें नेगेटिव रिटर्न है, बट इसका लॉन्ग टर्म भी देखिए कि इसके लॉन्ग टर्म में इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। तो आइए एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स प्रमोटर्स के पास है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 5% है। FIIs पहले फॉरेन इन्वेस्टर पहले थे, बट उन्होंने, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, मैंने 0.4% उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम कर ली है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 1.11% है। इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसमें हिस्सा नहीं देती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है 0.04% से, और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने घटाई है जो कि 23.79% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो आइए उस शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उस शेयर्स का नाम है DFM। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके प्रोडक्ट्स क्रैक्स हर किसी ने खाए होंगे। ओके, और बच्चों में ये सबसे ज़्यादा फेवरेट भी है आजकल, और केवल 5 to 10 रुपीज़ में ये क्रैक्स का पैकेट भी आ जाता है। और ये बहुत पुरानी कंपनी है, और इनका जो एक क्रैक्स ये प्रोडक्ट है, ये 1984 में इन्होंने लॉन्च भी किया था। और भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, क्रैक्स कॉर्न रिंग, क्रैक्स कर्ल्स, नटखट तो श्योर सबने खाई होगी, मैंने बचपन में खाई है, मेरी फेवरेट थी, क्रैक्स चीज़ बॉल्स, क्रैक्स फ्रिट्स, क्रैक्स नमकीन और पास्ता क्रंच। तो ये तो इसके हो गए प्रोडक्ट्स। ओके, इसके अलावा हम आज के परफॉर्मेंस की बात कर ले, देखिए ये शेयर कल 250 के आसपास चल रहा था, और आज ही इसने लगभग 20 पॉइंट्स की जंप लगाई है, मतलब 7.95% की जंप। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, क्या बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। वन मंथ का देख लीजिए, 191 पे ये 21 जुलाई को मिल रहा था, आज 261% का रिटर्न दे रहा है। सबसे अच्छी बात देखिए कि जब पेंडामिक आया था तब ये लगभग 300 रुपये के आसपास चल रहा था, गिर के ये 165 हुआ, और अब इसका जो परफॉर्मेंस है देखिए किस तरीके से इसने बढ़ाया, और अच्छा तरीके, अच्छे रिटर्न्स इसने प्रोवाइड किए। मैक्सिमम हम एक बार देख लेते हैं, तो 1995 में जब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी तब ये केवल 1.90 रुपीज़ में ये कंपनी मिलती थी। बीच में ये कंपनी काफ़ी, देखिए, 457 तक भी गई थी। ओके, बट इसमें बीच में एक बार स्प्लिट भी हुआ है इनका शेयर, तो इस वजह से ये शेयर आपको 269 में दिख रहा है, अदरवाइज़ ये 500 से ऊपर आपको शेयर नज़र आता। तो इसका परफॉर्मेंस जैसे कि हमने देख लिया, एक बार इसका आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 52 वीक लो जो इसने 24 मार्च को लगाया था 154 रुपीज़ पर, और लगभग आज दुगना हो चुका है। तो आज देखिए 52 वीक हाई देखिए 333 रुपये 30 जून 2020 को इसका था। डिलीवरीज की बात की जाए तो आज के दिन में ही 51% की डिलीवरीज आज उठाई गई है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए लोग किस तरीके से इस शेयर्स के पीछे लगे हुए खरीदने में। तो इस प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया, प्रमोटर्स ने 73.91% की हिस्सेदारी इस प्रमोटर्स की, और 26.09 इनकी, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, जैसे कि ऑलरेडी हमने बात कर ली है। डिविडेंड की बात की जाए तो 2017 में 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, जो 2018 में
इन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा 2018 में इन्होंने स्प्लिट भी किया था, जैसे कि आपको दिख रहा है। फेस वैल्यू पहले इसकी 10 रुपीज़ थी, उसमें 2 रुपये का फेस वैल्यू की गई थी, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी फेस वैल्यू स्प्लिट करी थी, शेयर को स्प्लिट किया था, जिस वजह से इनका शेयर आज उनकी कीमत कम हो गई थी, तो ये एक अच्छी साइन होता है। इसके अलावा 2019 में उन्होंने 1.25 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया है, और पेंडामिक में इनकी कंपनी का प्रॉफिट था, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, तो इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि ये मैंने रिटर्न्स आपको दिखा दी है, एक बार चार्ट पर हम इनके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट सामने है आपके, रिजर्व्स देख लीजिए, पहले 54 करोड़, 74, 92, 119 और रिजर्व 135 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स। तो इनके रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। डेट डेट की बात की जाए तो डेट पहले 44 था, फिर 84, 86, 87, 82 करोड़, मतलब 83 करोड़ रुपीज़ का इनके पास डेट इस टाइम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी, ओके, वो इस कंपनी में काम करता है, तो आज मेरी इस कंपनी उससे बात हुई थी, तो उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उसने ये भी बताया कि फरवरी में इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट इनका कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा है, ओके, और इन्होंने अपनी कंपनियों में अभी बहुत ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया है। बहुत पुरानी कंपनी है, ग्रोथ उस तरीके से नज़र नहीं आ रही, बट अभी मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ओके, नए नए लोग आ रहे हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा, तो उनके पोते इस कंपनी के CEO है, तो मैनेजमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया है, ओके, तो जिस वजह से इस कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बट एक्सपेंडिचर के साथ साथ इस कंपनी की वैल्यूएशन भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। स्मॉल कैप की कंपनी है ऑलरेडी, आपको पता ही है, या फिर मैंने आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप की कंपनी है, 1357 करोड़ रुपीज़ का इनका मार्केट कैपिटल है, तो ये एक्सपेंडिचर करने में लग रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लग रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर कंपनी में लोन आपको दिखाई दे रहा है, ओके, और इनका प्रॉफिट लॉकडाउन में काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छा इन्हें प्रॉफिट भी हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर ली जाए तो कैश एंड बैंक बैलेंस देख लीजिए, 12 करोड़ रुपीज़ का, फिर 1 करोड़ रुपीज़ का, फिर 2, फिर 34, और अभी लगभग लगभग 34 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व कैश एंड बैंक बैलेंस इनके पास नज़र आ रहा है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस अच्छा है, डेट है कंपनी के पास, नो डाउट, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, ये अच्छी बात है। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है क्रैक्स, क्रैक्स के अलावा इनका एक और साइड बिजनेस है इस कंपनी का, कि ये हल्दीराम, हल्दीराम एक बहुत बड़ी चेन है, ओके, जो आपको दिल्ली और NCR में, आपको नॉर्थ की साइड में बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएगी कि कितनी बड़ी उनका फूड, ये फूड का चेन है। तो उस कंपनी को आटा सप्लाई करने का काम, मतलब ये कंपनी DFM करती है, तो DFM का बिजनेस केवल क्रैक्स का ही नहीं है, क्रैक्स से बड़ा काम इनका उनको आटा सप्लाई करने का है, और हल्दीराम आपको पता ही है कि कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये इसके कुछ मैनेजमेंट चेंज हो रहे हैं, कंपनीज का लुकआउट पूरा चेंज होने वाला है, ये अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो जैसे कि आपने देखा ही है कि आज के दिन ही लगभग लगभग 7-8% की जंप देखी गई है, तो धीरे धीरे ये कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है, और बहुत अच्छा ग्रो ये कंपनी करने वाली है। तो आप इस कंपनी के ऊपर नज़र बना सकते हैं, DFM फूड्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, आप से वॉच लिस्ट में रखिए, ओके, और ज़्यादा कुछ बड़ा शेयर नहीं है, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी बढ़ती भी बहुत तेज़ी से है, ओके, अगर गिरने पर आती है तो गिरती भी बहुत तेज़ी से है, बट जैसे कि हमने इसका पेंडामिक में देखा था कि ये 300 पे चल रही थी, गिरी, और फिर आज फिर उसी लेवल पर ये लगभग लगभग खड़ी हुई है, तो काफ़ी मजबूत कंपनी नज़र आती है इस चीज़ से कि पेंडामिक में सर्वाइव भी करी और बढ़ भी गई। और FMCG से रिलेटेड है, तो FMCG का आपको पता ही है कि FMCG कभी भी बंद होने वाली कंपनीज में से होती नहीं है, हर एक को ज़रूरत होती है FMCG की, ओके, क्रैक्स बनाती है, बच्चों में फेवरेट है ही, तो इस कंपनी की तरफ नज़र रखिए। इन्वेस्ट करना चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, या खुद अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके देख के आप इसमें कभी भी एंट्री कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें हमारे, और अब हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि सर आपको हमारी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।